हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज का टॉपिक है थीम्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दीज प्लेस। जॉन गाल्सवर्दीज के प्लेस की जो थीम है, क्योंकि उनके जो प्लेस हैं वो सभी प्रॉब्लम प्लेस हैं, तो उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम कौन से प्ले में आई दिखाई गई है और वे किस प्रॉब्लम से डील करते हैं, प्रॉब्लम दे डील विथ, किस प्रॉब्लम से डील करते हैं, क्या कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, क्या सोशल प्रॉब्लम को लेकर मैसेज दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि जॉन गाल्सवर्दी के किसी न किसी प्ले को लेकर कि उसकी थीम क्या है, उसमें किस प्रॉब्लम को दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, आप सब लोग कहते हैं कि आपकी राइटिंग क्लियर नहीं रहती है ताकि हम स्क्रीनशॉट ले सके या फिर नोट्स बना सके, तो आप अपनी जो वीडियो क्वालिटी है उसको बढ़ाकर देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा और आप स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे और नोट्स भी बना पाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं गाल्सवर्दी के प्लेस और उनके जो प्रॉब्लम उसमें शो की गई है उनके बारे में। फर्स्ट है द स्ट्राइफ है जॉन गाल्सवर्दी का, वो लेबर और कैपिटल कन्फ्लिक्ट के बारे में है। वहाँ पर एक स्ट्राइफ दिखाई जाती है, एक हड़ताल दिखाई जाती है, जहाँ पर जो लेबर होते हैं वो हड़ताल करते हैं कंपनी के मालिक के उसमें विरोध में, कि वो अपनी कुछ मांगे रखते हैं जो उनके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन जो कंपनी के मालिक होते हैं, जो एम्परर होते हैं, वो मना कर देते हैं कि हम इन मांगों को नहीं मान सकते, और इसी कन्फ्लिक्ट को पूरे प्ले में दिखाया गया है। नेक्स्ट है द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स जो गाल्सवर्दी का प्ले है, फर्स्ट प्ले है, बहुत ही फेमस है, 1906 में आया था, और इसमें दिखाया गया है कि इनह्यूमन सिस्टम ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इनह्यूमन सिस्टम, लॉ और जस्टिस का जो इनह्यूमन सिस्टम है वो इसमें दिखाया गया है, क्योंकि मिस्टर जोन्स जो है वो एक पुअर है और मिस्टर जैक बार्थविक है वो एक रिच है। चोरी दोनों करते हैं, लेकिन जो मिस्टर जैक बार्थविक है वो बच जाते हैं और जो मिस्टर जोन्स हैं उनको एक मंथ का हार्ड इम्प्रिजनमेंट झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आती है कि लॉ इज़ नॉट सेम फॉर पुअर एंड रिच। पुअर के लिए जो लॉ है वो अलग है और रिच के लिए जो लॉ है वो अलग है, इसी का कन्फ्लिक्ट इसमें दिखाया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस के लिए बताया गया है कि इनह्यूमन सिस्टम ऑफ लीगल जस्टिस एंड इम्प्रिजनमेंट। इसमें भी जो फाल्डर होता है, विलियम फाल्डर होता है, वो गलती से 9 पाउंड्स को 90 पाउंड्स कर देता है। गलती से भी नहीं, वो चाहता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है, जो रुथ है, वो उसको एक अच्छी लाइफ दे सके, उसे उसके हस्बैंड से बचा सके, और उसके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो वो सोचता है कि इस को चेंज करके और यहाँ से जो पैसा एक्स्ट्रा उसे मिलेगा वो उसको लेकर वहाँ से उसके साथ चले जाना चाहता है ताकि वो एक अच्छी लाइफ बिता सके। लेकिन उससे पहले ही वो रॉबर्ट कॉक्सन के द्वारा पकड़ लिया जाता है, पता चल जाता है कि इस चेक में धोखा किया गया है और 9 पाउंड से 90 पाउंड इस चेक की जो डिजिट है उसको चेंज किया गया है, और उसमें जो उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है वो बहुत ही हार्ड इम्प्रिजनमेंट रहती है उसके लिए, और इसी को दिखाया गया है कि इनह्यूमन सिस्टम ऑफ लीगल जस्टिस एंड इम्प्रिजनमेंट फ्रेंड्स। नेक्स्ट है लॉयल्टीज़। लॉयल्टीज़ में क्या कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है? कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉयल्टीज़ टू डिफरेंट पर्सन्स। अलग अलग पर्सन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग लॉयल्टीज़ फ्रेंड्स रहती है, और ये एक सोशल मैसेज है कि सोशल प्रॉब्लम है जिसको इस प्ले में शो किया गया है। नेक्स्ट है द पिजन। इस प्ले में दिखाया गया है द ट्रू पिक्चर ऑफ शेल्टर होम्स। शेल्टर होम्स होते हैं जो जहाँ पर गरीब लोगों को आसरा दिया जाता है, आश्रय दिया जाता है, जिनका कोई नहीं होता है, उनको शेल्टर होम्स में रखा जाता है और उनकी केयर की जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है, ये एक दिखाने के लिए होता है कि समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो स्थिति होती है वो बिल्कुल ही चेंज होती है रियलिटी में, और दिखाने में बहुत फ़र्क होता है। दिखाया जाता है कि वो बहुत केयर करते हैं, अच्छे से रखते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग होते हैं वो वही जानते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं, तो इस चीज़ को इसमें एक्सप्लेन किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द स्किन गेम। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंडेड एरिस्टोक्रेसी एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लास। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी और मैन्युफैक्चरिंग क्लास के बीच कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है स्किन गेम प्ले में, और यही इसकी मेन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है एस्केप।
एस्केप में है, कंडीशन ऑफ प्रिजनर्स आफ्टर देयर रिलीज फ्रॉम प्रिजन, प्रिजन से बाहर आने के बाद प्रिजनर्स की जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, किस तरीके से लोग उनको देखते हैं, क्या नज़रिया सबका रहता है, उनको प्रिजन से बाहर आने के बाद अपराधी माना जाता है, उनको माना जाता है कि ये किसी के लायक नहीं है, कोई काम नहीं कर सकते, कोई उनको काम नहीं देता है, हर कोई उनको रिजेक्ट कर देता है, तो इस चीज़ की जो प्रॉब्लम है, जो सोशल प्रॉब्लम है वो यहाँ पर दिखाया जाता है, जबकि वो अपने हिस्से की जो सज़ा है वो भुगत कर आ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है जेल से बाहर आने के बाद। नेक्स्ट है द एल्डेस्ट सन, ए विल ऑफ इलिसिट लव, यहाँ पर ये इसकी प्रॉब्लम है, सॉरी थीम है, द फ्यूगिटिव, इनफिडियलिटी इन वाइफ एंड हस्बैंड्स रिलेशनशिप, द फ्यूगिटिव में वाइफ और हस्बैंड के रिलेशनशिप में इनफिडियलिटी दिखाया गया है। इनफिडियलिटी होता है फ्रेंड्स धोखा, कि वो एक दूसरे को कैसे धोखा देते हैं और इस रिश्ते में जो ट्रस्ट है उसको किस तरीके से शो किया गया है। नेक्स्ट है द मोब, द मोब गाल्सवर्ती का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है जो वर्ल्ड वार के टाइम पे आया था, और इसमें शो किया गया है कि हाउ सिविलाइज्ड कंट्री कन्वर्टेड इनटू द मोब, जो एक सिविलाइज्ड कंट्री है, एक पढ़ा लिखा देश है, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो बहुत अच्छे से वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो वो कैसे द मॉब में, एक भीड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और तब उनको कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। इस तरीके से इस थीम को यहाँ पर शो किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जोन गाल्सवर्दी के ये जो प्लेज़ हैं और इनकी प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर इनमें पूछा जाता है फ्रेंड्स। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।